केवल महाराष्ट्र में ही कोरोना पैर पसार रहा है, दोबारा से ऐसा नहीं है। देश के कई अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग राज्यों में और खास करके मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और चिंता बढ़ा रहे हैं। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत जुड़ गए। ब्रजेश, सीएम अपील कर रहे हैं मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, केवल अपील से काम चलता दिख नहीं रहा है क्योंकि एक बार फिर मामले बढ़ने लगे हैं। तो ऐसे में रास्ता क्या है, कड़े कदम कब उठाएंगे, कैसे उठाएंगे और क्या कितना वक्त लगेगा? आदर्श, मुझे लगता है कि सरकार अब कड़े कदम उठाने की तरफ बढ़ गई है। कल से यानी कि शनिवार शाम रात से लेकर सोमवार सुबह तक मध्य प्रदेश के तीन बड़े शहरों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, तीनों जगह इतवार को अगले आदेश तक लॉकडाउन रहेगा। सभी स्कूल जो 10वीं 12वीं के चल रहे थे वो 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। जो 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने वाला था स्कूलों में, उसकी भी मनाही कर दी गई है। और कुल मिला के मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो पॉजिटिविटी रेट है, जो संक्रमण की दर है, वो देश में सबसे ज़्यादा है, 5.5, ये महाराष्ट्र से भी ज़्यादा है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए चिंता का कारण है और इसलिए पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया बड़े शहरों में और इसके बाद अब संडे कर्फ्यू शुरू हो गया है। मगर फिर भी लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के 52 के 52 जिले ऐसे हैं जहाँ कोरोना संक्रमण फैल चुका है और ये फिर वही पुराने भयावह दिनों की याद दिला रहा है कि जब कोरोना तेजी से फैला था। तो इसलिए सरकार ने कदम तो उठा दिया है मगर फिर भी सख्ती जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब टीका और साथ में टेस्ट दोनों जरूरी हैं, तो आज से ये सब कुछ दुगनी गति से होंगे। टीके भी लगाए जाएंगे और उसके अलावा सख्ती भी, मास्क पहनने के लिए पुलिस भी उतर गई है सड़कों पे, जिस तरीके से लोगों पर रोक टोक होगी। मगर बड़ी बात वही है कि मध्य प्रदेश फिर उन्हीं पुराने भयावह दिनों की ओर बढ़ रहा है जहाँ पर लगातार तेजी से रेट बढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश में कल 1200 से ज़्यादा जब मामले अचानक आए तो सरकार के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में फैसला लेना पड़ा कि इतवार को मध्य प्रदेश के तीनों बड़े शहरों में अगले आदेश तक लॉकडाउन रहा करेगा। यदि ये इसके बाद भी मामले नहीं संभले तो इतवार के बाद फिर इसमें शनिवार को भी जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के तीन बड़े शहर हैं, यदि हम इंदौर की बात करें तो वहाँ कल 300 से ज़्यादा मामले आए, भोपाल की बात करें यहाँ 200 से ज़्यादा मामले आए और जबलपुर में 100 से ज़्यादा मामले आए। यानी कि तीनों बड़े शहर कोरोना की चपेट में है और तेज़ी से यहाँ नंबर बढ़ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, चिंता की बात यह है कि मध्य प्रदेश में हम लोग ने जिस तरीके से अपने सिस्टम को खत्म कर दिया था, ये मान के कि अब कोरोना खत्म कर दिया है, उसको फिर से खड़ा करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आदर्श, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चुनौती सरकार के लिए लेकिन जिम्मेदारी तमाम नागरिकों की भी है क्योंकि कोरोना से लड़ना हम सब के लिए एक साथ मिलकर जरूरी है। बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे भोपाल से। ABP News आपको रखे आगे।